हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। जैसे कि आपके एग्जाम के लिए वर्ड मीनिंग्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये वर्ड मीनिंग आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगी। आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपके लिए मेरी वर्ड मीनिंग्स वेरी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वर्ड मीनिंग्स अपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं SSC के, जैसे CGL के, CPAO के, CHSL के, MTS के या स्टेनोग्राफर के, वहाँ से वो केब को लिया है, और मैं वो केब आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, और आप वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी भी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, या आप ठीक है स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है ना आपके लिए, एक तरह से है नॉइसेंस। नॉइसेंस, नेक्स्ट। ठीक है, नॉइसेंस इज द वर्ड टुडे। ओके, तो देखो एक तरह से नॉइसेंस, तो नॉइसेंस का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है परेशानी का कारण। परेशानी का कारण, परेशानी का कारण डिस्पर्स। डिस्पर्स, देखो डिस्पर्स का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्स का मीनिंग होता है बिखेर देना। बिखेर देना, ओके ना। नेक्स्ट रेनासा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेनासा। ओके ना, तो रेनासा का मीनिंग होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, नेक्स्ट नंबर फोर। नेक्स्ट है डिकेडेंस। डिकेडेंस, डिकेडेंस का मीनिंग होता है एक तरह से पतन। पतन, नेक्स्ट पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस, तो देखो पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है एक तरह से महामारी। नेक्स्ट सिक्स नंबर आपका हेजीमनी। हेजीमनी, तो देखो हेजीमनी का मीनिंग होता है अधिकार। अधिकार, नेक्स्ट सेवन सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन, सब ऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है अधीनता। अधीनता, नेक्स्ट नोटोरियस। नोटोरियस, तो देखो नोटोरियस का मीनिंग क्या होता है, कुख्यात। नोटोरियस का मीनिंग होता है कुख्यात। बॉस्टफुल, बॉस्टफुल, देखो बॉस्टफुल का मीनिंग होता है अभिमान से भरा। अभिमान से भरा, नेक्स्ट एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी,
महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ओके ना। नेक्स्ट एक बार से रिवीजन करेंगे। ओके ना, देखिए नॉइसेंस, नॉइसेंस का मीनिंग होता है परेशानी का कारण, डिस्पर्स का मीनिंग होता है बिखेर देना, रेनेसा का मीनिंग होता है पुनर्जागरण, डिकेडेंस मीन्स पतन, और पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है महामारी, हेजीमनी का मीनिंग होता है अधिकार, सब ऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है अधीनता, नोटोरियस का मीनिंग होता है कुख्यात, बोस्टफुल का मीनिंग होता है अभिमान से भरा, और एम्बिशियस का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाई वन। ओके, नॉइसेंस का मीनिंग होता है परेशानी का कारण, तो परेशानी का कारण इतना से रीजन, देखिए रीजन का मीनिंग होता है कारण, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पर्स, ठीक है, एक वर्ड आता है सेन, सेन, तो सेन का मीनिंग होता है समझदार, सेन का मीनिंग होता है समझदार, ठीक है, सेन का मीनिंग होता है समझदार, ठीक है। डिस्पर्स का मीनिंग होता है बिखेर देना, बिखेरना मतलब थ्रो करना, थ्रो करना मतलब फेंकना, थ्रो का मीनिंग फेंकना, चीज को ना आप फेंकते हैं। रेनेसा का मीनिंग होता है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मीनिंग होता है रीबर्थ, रीबर्थ, पुनः जन्म लेना या पुनः जन्म होना, मतलब रीबर्थ, पुनः जन्म होना, ठीक है। डिकेडेंस का मीनिंग होता है पतन, तो डिकेड का मीनिंग, डिकेड का मीनिंग होता है दशक, डिकेड का मीनिंग होता है दशक, ओके ना, ठीक है। डिकेडेंस, डेन का मीनिंग, डेन, डेन का मीनिंग होता है मांद, जिसमें लॉयन रहता है, एक तरह से जेकल रहता है ना, उसको बोलते हैं डेन मीन्स मांद, ठीक है। डांस तो पता ही होगा आपको, देखिए डांस का मीनिंग होता है नाचना, राइट, डांस का मीनिंग नाचना। पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है महामारी, तो एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीनिंग भी होता है महामारी, एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीनिंग होता है एक तरह से महामारी। हेजीमनी का मीनिंग होता है अधिकार, तो राइट, राइट का मीनिंग होता है अधिकार, राइट, संस्कार, राइट मीन्स संस्कार, ओके। नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है अधीनता, अधीनता इतना से ह्यूज, ह्यूज विशाल, ह्यूज मीन्स विशाल, नोटोरियस कुख्यात, तो फेमस, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ठीक है। बॉस्ट, बॉस्ट मीन्स शेखी बगाड़ना, शेखी बगाड़ना, शेखी बगाड़ना, राइट ना। एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा ऑल वर्ड्स को। सो एक बार से देखिए नॉइसेंस है ना, NUISANCE, नॉइसेंस का मीनिंग होता है परेशानी का कारण, डिस्पर्स, DISPERSE, डिस्पर्स का मीनिंग होता है बिखेर देना, रेनेसा, RENAISANCE, रेनेसा का मीनिंग होता है पुनर्जागरण, डिकेडेंस, DECADENCE, डिकेडेंस का मीनिंग होता है पतन, पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस का मीनिंग होता है महामारी, हेजीमनी, HEGEMONY, हेजीमनी का मीनिंग होता है अधिकार,
सबऑर्डिनेशन, SUBORDINATION, सबऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है अधीनता, नोटोरियस NOTORIOUS, नोटोरियस का मीनिंग होता है कुख्यात, बोस्टफुल BOASTFUL, बोस्टफुल का मीनिंग होता है अभिमान से भरा, एम्बिशियस AMBITIOUS, एम्बिशियस का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी, रीजन RESON, रीजन का मीनिंग होता है कारण, सेन SANE, सेन का मीनिंग होता है समझदार, थ्रो THROW, थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, रिबर्थ REBIRTH, रिबर्थ का मीनिंग होता है पुनः जन्म लेना, रिडिकेट DECADE, डिकेट का मीनिंग होता है दशक, DEN का मीनिंग होता है मांद, DANCE, डांस का मीनिंग होता है नाचना, एपिडेमिक EPIDEMIC, एपिडेमिक का मीनिंग होता है महामारी, राइट RIGHT, राइट का मीनिंग होता है अधिकार, RITE, राइट का मीनिंग होता है संस्कार, ह्यूज HUGE, ह्यूज का मीनिंग होता है विशाल, और फेमस FAMOUS, फेमस का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, BOST, बॉस्ट का मीनिंग होता है शेखी बघारना। मेरे सारे वर्ड्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के हो या इंग्लिश स्पीकिंग को साथ साथ ऑल एग्जाम में वेरी हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि मैंने स्पेलिंग एरर में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सभी में इन एग्जाम्स में SSC पूछता है, ठीक है, और ये आपके एग्जाम से बहुत ही हेल्पफुल है। आप इन सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें आपको इनको लिखना है और इनको रिविज़न करना है डेली का, आपको खुद को पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, एक बार समझ नहीं आई है तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।